वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ब्यूटीफुल सा हाई बन हेयर स्टाइल जो कि साड़ी पे भी बहुत अच्छा लगेगा। ये मेकअप ब्लैक ड्रेस के साथ मेकअप कैसे करें इसकी वीडियो मेरे दूसरे चैनल पे अपलोड हो चुकी है, तो प्लीज़ जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। प्रीत तिवारी 2 चैनल का नेम है, इंस्टा आई डी प्रीत तिवारी 24 है, वहाँ पर मैं अपनी रील्स वीडियोज अपलोड करती रहती हूँ, तो प्लीज़ वहाँ पर भी जरूर जाइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं फ्रंट से कुछ इस तरीके का लुक बनाने वाली हूँ। पहले आप ईयर टू ईयर पार्टिंग कर लोगे और फ्रंट का जो हेयर है ईयर टू ईयर पार्टिंग करने के बाद से देख सकते हो, इसको आप यहीं पे सिक्योर कर दो क्लचर की मदद से, जिससे भी आपको अच्छे से सेट हो जाए उससे आप इसको यहाँ पे सेट कर दो। बाकी बैक के सारे हेयर को ऊपर की तरफ लेके आओगे अच्छे से कॉम करके, अच्छे से कॉम कर लीजिए और यहाँ पे एक रबड़ बैंड की मदद से, मैं मोटे वाले रबड़ बैंड से बना रही हूँ, एकदम क्राउन एरिया पे अपने अच्छे से टाइट कर लीजिए हेयर को। ओके, अब इसको इस तरीके से छोड़ देंगे। देन बैक से आपको बैक कॉम्बिंग करनी है पूरे हेयर्स में। बैक कॉम्बिंग करके छोड़ दोगे, बैक कॉम्बिंग करने से क्या होगा आपको दिख रहा होगा अंदर बहुत मोटा हेयर दिखता है, जैसे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा दिखती है बालों की। तो आप इस तरीके से बैक कॉम्बिंग करोगे, अगर आपके बहुत पतले हल्के बाल हैं तो आप बैक कॉम्बिंग करके कोई भी बन बनाइए तो आपके बन का लुक बहुत हैवी आ जाएगा। आप देख सकते हो ये मेरा सिर्फ हाफ हेयर है, इसको आप सिंपली आप इस तरीके से करके और एक बन बना सकते हो जो कि काफ़ी बड़ा और खूबसूरत दिखेगा। तो अभी नहीं बनाना है, पहले आप फ्रंट के हेयर को ओपन कर लो और उसके बाद से आपको सिंपली सेंटर से थोड़ा थोड़ा हेयर लेके जाएंगे और ट्विस्ट करते जाएंगे इस तरीके से। ओके, एंड तक पूरा ट्विस्ट कर लेंगे। अगर आपको इस तरीके से ट्विस्ट करने नहीं आ रहा तो सिंपली ऊपर की तरफ सारे हेयर को ले लो और ट्विस्ट करो और फिर बैक में ले जाके इसको सिक्योर कर देंगे। थोड़ा थोड़ा खींच लेंगे जिससे कि हमारा जो बन है वो थोड़ा सा मैसी दिखे, और यहाँ पे आप एक क्लिप की मदद से इसको सिक्योर कर लो। ओके, सेम इसी तरीके से पूरे जितने भी फ्रंट के हेयर आपने छोड़े हैं उनको ट्विस्ट कर लेना है। ओके, ट्विस्ट करने के बाद से इसको थोड़ा थोड़ा खींचेंगे, देन बैक में ही ले जाके क्लिप में सिक्योर कर देंगे। अगेन हेयर लेंगे और ट्विस्ट करेंगे। बहुत प्यारा लगने वाला हेयर स्टाइल, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, एंड तक वॉच कीजिएगा। 2-3 क्लिप्स ऐड कर लो अगर आपको हेयर स्टाइल बनाने में दिक्कत हो। इस तरीके से ट्विस्टिंग करोगे तो जैसे आपके पतले बाल हैं तो स्कैल्प भी नहीं दिखेगी। अब जो लास्ट वाला सेक्शन बचा है इसको भी सिंपली लेंगे और ट्विस्ट कर लेंगे और क्लिप में ले जाके बैक साइड में सिक्योर कर देंगे और इसको भी खींच लेंगे। देखिए एक साइड का कितना प्यारा लग रहा है। सेम इसी तरीके से आपको दूसरी साइड से भी करना है। थोड़ा भी वीडियो को स्किप नहीं कर रही मैं, पूरा एंड तक दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि कैसे बनाना है आपको ये हेयर स्टाइल। ओके, थोड़ा थोड़ा साथ साथ में खींचते जाइएगा जिससे कि जो आपका लुक है वो परफेक्ट आए जैसा आप बनाना चाहते हो हेयर स्टाइल।
कहीं भी ऐड कर दो, क्योंकि ऊपर का जो भी हेयर बचा हुआ है वो आपका हाइड होने वाला है यहाँ पे। वाह, अब सेम ये जो बचे हुए हेयर हैं इनको भी ट्विस्ट करके ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। और क्लिप में ऐड कर देंगे इसको भी, और इस साइड इस टाइप का लुक आपका आ जाएगा पूरा फ्रंट का। अब जो ये हेयर बचे हैं इन सबको एक साथ ले लेंगे, और जो अभी हमने कॉम ये ट्विस्टिंग बनाई है इन हेयर्स में भी बैक कॉम्बिंग कर देंगे, जिससे कि जो हमारा बन है वो और बड़ा और खूबसूरत दिखे। आप चाहो तो इस तरीके से बैक कॉम्बिंग करके इसको छोड़ भी सकते हो, आपका रबर बैंड बिल्कुल भी नहीं दिखने वाला है यहाँ पे, और आपका हेयर स्टाइल भी काफ़ी अच्छा और अट्रैक्टिव लगेगा। ओके, लेकिन अगर आप आपको पल्लू वगैरह रखना है तो आप क्या करोगे, थोड़ा और बैक कॉम्बिंग करेंगे जिससे कि हमारा जो बन है वो काफ़ी बड़ा और खूबसूरत दिखे, पतले हल्के बाल हैं तो भी। अब इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे, अब सिंपली ऊपर की तरफ लेके आएंगे एकदम लूज, देखिए मैंने कितना लूज रखा हुआ है। ओके, एंड पार्ट को इस तरीके से रखेंगे और इसको बैक में ले जाके अच्छे से हाइड करते हुए यू पिन से सिक्योर करेंगे, और आपका पार्टी बन बन के रेडी है यहाँ पे। किसी भी फंक्शन के लिए आप ये हेयर स्टाइल बना सकते हो, गाउन ड्रेस के साथ बहुत अच्छा लगेगा और साड़ी के साथ भी अच्छा लगेगा। मैं यहाँ पे साड़ी पे ही बना रही हूँ ये हेयर स्टाइल। यूपिन्स का खास ध्यान रखिएगा कि दिखे ना, तो इसके लिए आपको यूपिन्स डायरेक्ट ऐसे नहीं लगाना है, आपको इस तरीके से लेना है और अंदर की तरफ इन कर देना, जिससे कि यूपिन्स आपके दिखेंगे नहीं और आपका जो बन है वो काफ़ी अच्छा और अच्छा दिखेगा। तो ये हमारा बन बन के यहाँ पे रेडी हो गया है पार्टी के लिए, काफ़ी अच्छा लुक हमारा हेयर स्टाइल रेडी हो चुका है। आप खुद से बना सकते हो, सेल्फ बना सकते हो। और ये कैसा लगा आज का हेयर स्टाइल आपको, आई होप कि पसंद आया हो गाइस। मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है और मेरे चेहरे पे काफ़ी सूट भी कर रहा है, तो आपकी आपका भी फेस अगर मेरी तरह है तो आप इस तरीके का हेयर स्टाइल ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बन का जो फाइनल लुक है वो कुछ इस तरीके का आया है, तो आप देख सकते हो पतले हल्के बालों में आप इस तरीके से बहुत खूबसूरत सा मैसी बन बना के रेडी कर सकते हो, वो भी बहुत बड़ा, बिल्कुल छोटे बालों में आप बहुत बड़ा सा और हैवी सा पार्टी बन आप बना सकते हो। तो आई होप कि वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी इस तरीके की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मैं दूसरे चैनल पे जरूर जाइए मेकअप ट्यूटोरियल्स की वीडियोज़ देखने के लिए। इंस्टा आईडी PreetyBhai24, और भी बहुत सारे हेयर स्टाइल्स की वीडियोज़ हैं मेरे चैनल पर, तो जाके चेकआउट कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।